यस स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ जो है चैप्टर नंबर सिक्स हमने जो साइंस पढ़ रहे थे, जो ये जो है पहला पार्ट जो है पार्ट हमने पढ़ लिया था। अभी हम जो है पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट जो है इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके सो स्टार्ट स्टूडेंट्स। सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस, कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स टिपिकल जो है फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं। सम कॉमन टिपिकल जो फिजिकल चेंज होता है आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ये जो है नीचे क्या हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है। एंड ये जो देखिए स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड, ये जो डिसोल्यूशन होता है किसका स्टूडेंट्स, तो जो सॉलिड एंड लिक्विड फिजिकल चेंजेज, इज अ फिजिकल चेंज। शुगर इज अ स्वीट, शुगर क्या होता है, स्वीट होता है। एंड इट डिसॉल्व इन वाटर ईजली, और इस तरह से ये वाटर में जो है अच्छे से घुल जाता है। और सोल्यूशन ऑफ शुगर ऑल्सो टेस्ट स्वीट, और इस तरह से जो सोल्यूशन होता है शुगर का ऑल्सो उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। शुगर एंड डिसोल्यूशन डज नॉट लूज इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज, और जो है ये जो शुगर होता है वो डिसोल्यूशन जो होता है डज नॉट लूज, ये जो लूज नहीं करता इट्स बेसिक जो प्रॉपर्टीज, इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। शुगर इज डिसॉल्व इन ए स्मॉल क्वांटिटी, शुगर को जो हम डिसॉल्व करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में ऑफ द वाटर एंड बाय स्टीरिंग अ क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, और इसे हमें जो है एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हेन कंसंट्रेटेड बाय द हीट एंड द कूल, इस तरह से शुगर का सॉल्यूशन होता है व्हेन कंसंट्रेटेड बाय द हीट, जब हम इसको गर्म करते हैं एंड जब गर्म करके ठंडा करते हैं, गिव बैक द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, तो इसे जो है क्रिस्टल्स मिलते हैं शुगर्स के। एंड दीज क्रिस्टल्स आर टेस्ट स्वीट, और इस क्रिस्टल के भी टेस्ट क्या होते हैं, तो स्वीट होते हैं। दस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुगर जो होता है, शुगर द ओरिजिनल सब्सटेंस, कि जो शुगर होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस पदार्थ होता है, इज रिकवर्ड बैक फ्रॉम द सोल्यूशन बाय अ सिंपल मेथड, जिसको हम एक सिंपल मेथड्स के द्वारा फिर हम क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं फिर, ठीक है, प्राप्त कर लेते हैं। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, इस तरह से जो स्टूडेंट्स देखेंगे कि ड्यूरिंग जो डिसोल्यूशन है, शुगर हैज नॉट लॉस्ट इट्स स्वीटनेस, मीन्स उसके हम मतलब क्या कि उसमें थोड़े चेंजेस किए फिर भी उसका जो स्वीटनेस है वो नहीं गया, ठीक है। चाहे हम पानी में घोल दें चीनी को या फिर हम ऐसे ही खाएं, फिर भी वो क्या लगेगा, मीठा जो है लगेगा, स्वीट लगेगा। या फिर आप जो उसके क्रिस्टल बना लीजिए जो है पानी में घोल के और हीट करके गर्म करके, तो भी हम खाएंगे तो कैसा फील होगा, हमें स्वीट ही लगेगा। ओके तो इस तरह से इट इज ए रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, हम जो है कुछ रिकवर्ड प्राप्त कर लिए इसको जो है क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। एंड देयर फॉर इज लेडी सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज, इस तरह से ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। द सोल्यूशन ऑफ शुगर इज हीटेड स्लोली इन अ चाइना, इसको जो मतलब क्या किया जाता है, इसके जो हीट किया जाता है डिश टू द कंसंट्रेट, जाकि वो कंसंट्रेट हो जाए। एंड द कंसंट्रेटेड, ये देखिए अभी जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वे ना कूल, जब इसको हमने ठंडा किया तो गिवन बैक द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, तो ये क्या बन गए, शुगर के जो है क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इवापोरेशन क्या होता है। यस, इवापोरेशन आर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंड लिक्विड फिजिकल चेंजेस, तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन वाटर इज हीट, जब हम पानी क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं टू बॉयलिंग, ठीक है, गर्म करने के लिए जो है बॉयल करने के लिए जब गर्म करते हैं, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वो जो है पानी जो है वेपर बन के, स्टीम बन के क्या होता है, ऊपर जो है वेपराइजेशन होता जाता है, उड़ जाता है। एंड द वेपर सो फॉर्म्ड व्हेन कंडेंस्ड कूल, और जब हम इसे ठंडा करते हैं गिव बैक अ लिक्विड वाटर, फिर हमें क्या मिलता है, लिक्विड वाटर मिलता है। द कंडेंस्ड वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी, इस तरह से जो कंडेंस्ड वाटर होता है उसके पास सब जो प्रॉपर्टीज होती है ऑफ द ओरिजिनल वाटर के। फॉर एनी अदर लिक्विड इन अ इज अ फिजिकल चेंज, और इस तरह से क्या होता है जो है ये फिजिकल चेंज होता है। द स्लो कंजर्वेशन ऑफ अ लिक्विड इन टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, इस तरह से जो ये स्लो कंजर्वेशन होता है
यस कन्वर्जन होता है ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर में, मीन्स जो लिक्विड से क्या बन रहा है, यहाँ पे वेपर बन रहा है, इस जो है प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यस इवापोरेशन बोलते हैं। मीन्स व्हेन वी हैव टू यस बॉइलिंग द वाटर एंड यस एंड यस वाटर मेक अ वेपर स्टीम एंड यस एंड यस वो क्या होता है वेपर बन के जो वो उड़ने लगता है, वेपराइजेशन हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स की उसके बाद से द स्लो कन्वर्जेंस जो है कन्वर्जन होता है ऑफ द बिल्ड इनटू इन वेपर इज अ इवापोरेशन। इस तरह से जो इवापोरेशन टेक प्लेस एट द ऑल टेम्परेचर, और ये जो इवापोरेशन होता है हर एक मतलब टेम्परेचर पे होता है। एट रूम टेम्परेचर इट इज़ अ स्लो, बट ये रूम जो टेम्परेचर होता है उस पर बहुत ही स्लो होता है। इवापोरेशन यस इवापोरेशन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर, मीन्स इवापोरेशन तब ज़्यादा होता है जब हम जो है क्या करते हैं, जो है फास्टर रखते हैं क्या, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अ वेपर, जब भी हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेपर में, एट इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। दस इस प्रकार इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन आर सिमिलर प्रोसेस, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इवापोरेशन है और जो है वेपराइजेशन से वो क्या है, सिमिलर प्रोसेस है, एक जैसा प्रोसेस है। नाउ सी इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, जो इवापोरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जो भी टेम्परेचर क्या होते हैं सराउंडिंग में, चारों तरफ जो है घिरे हुए हैं, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड विंड स्पीड एट द प्लेस। ओके, एंड उसके बाद से देखेंगे स्टूडेंट्स की मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड्स ऑफ ए लिक्विड एंड द फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड आर अ फिजिकल चेंज। नाउ स्टूडेंट्स सी कि जो मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड्स एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड आर अ फिजिकल चेंज, कि जब किसी चीज़ को जो है सॉलिड को, मीन्स मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड मीन्स कैसे जो है सॉलिड को मेल्ट करते हैं, कैसे मेल्टिंग को सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, या फिर कैसे जो है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड और फ्रीजिंग जो है फ्रीजिंग करते हैं, जमाते हैं फिर उसको लिक्विड करते हैं, ये सारे जो फिजिकल चेंजेज हम अभी जो देखने जा रहे हैं। तो वेन अ सॉलिड सब्सटेंस, जब भी हम सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है स्टूडेंट्स, अगर उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स गेट्स चेंज इनटू द लिक्विड, तो सॉलिड जब हम चेंज कर जो है गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, तो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से व्हेन अ लिक्विड, जैसे आपने बर्फ़ को जो है आइस है, ठीक है, तो उसको आपने क्या किया, जो हीट किया तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया, तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से एंड इट्स जो है चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, व्हेन अ लिक्विड इज कूल, और जब लिक्विड कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो फिर जो है गेट्स इन अ चेंज इनटू सॉलिड, फिर वो सॉलिड बन जाता है। जैसे फिर आप वाटर को, उसी वाटर को क्या करो, फ्रीजर में रख दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है सॉलिड जो है जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, और सॉलिड को ही जब कूल करते हैं तो वो जो है, या फिर लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है ऐसा, ठीक है। इसे देखेंगे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट, अभी चेंजेस जो होते हैं स्टेट अवस्था में तो क्या होता है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, तो जो कंपोजिशंस होते हैं सब्सटेंस के, पदार्थ के, वो रिमेंस अनचेंज रहते हैं। देर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, लेकिन जो सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल में जो है प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एंड द चेंज कैन बी इजली रिजर्व बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, और ये जो चेंज होता है वो कैन बी ईजिली क्या होता है, रिजर्व्ड होता है बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, मीन्स जब जो हमने अभी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वो चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, ये चेंज हो जाती हैं, और मतलब डिपेंड ऑन द टेम्परेचर कि कैसे जो है टेम्परेचर है, तो इस तरह से रिवर्सिबल और जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो है चीज़ें होती हैं। ओके, ऐसे आप देखेंगे स्टूडेंट्स दस मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड, जब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड जो है मेल्ट हो जाता है, एंड फ्रीजिंग ऑफ द लिक्विड, और क्या हो जाता है फिर लिक्विड जो है फ्रीजिंग, फिर जो है जम जाता है,
लिक्विड तो आर फिजिकल चेंज, तो वो क्या होता है जो है फिजिकल चेंज होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स सब्लिमेशन ऑफ द फिजिकल चेंज, जो है सब्लिमेशन क्या होता है फिजिकल चेंजेज का। ओके, ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड सब्सटेंस मीन्स जो सब्लिमेशन के तरह जो है टाइम पे क्या होता है जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो पदार्थ होते हैं व्हेन हीटेड चेंज, जब इनको गर्म करते हैं तो ये चेंज होता है इनको वेपर में। वेपर आपको पता है स्टीम जैसे जो है भाप निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम एंड वेपर ऑन कूलिंग, और जब वही वेपर ठंडा हो जाता है तो गिव बैक द सब्सटेंस इन सॉलिड, तो फिर वही सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में मिलता है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, जैसे जैसे ये स्टेट जो है क्या होता है चेंज होता है ओके उसके दौरान क्या होता है देर आर बुक होता है। ओके, येस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट देयर इज नो चेंज, इस तरह से अगर स्टेट में जो है चेंज के दौरान अगर उसमें चेंज नहीं होता है कंपोजिशन में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस द चेंज कैन बी इजिली रिजॉल्व्ड बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर के चेंज के अनुसार जो है रिजॉल्व कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं। देयर फॉर सब्लिमेशन इज अ टिपिकल जो है फिजिकल चेंज, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्या है सब्लिमेशन जो है सब्लिमेशन वो क्या है एक फिजिकल चेंजेज है। ओके, अभी देखेंगे स्टूडेंट्स केमिकल चेंज क्या होते हैं। यस केमिकल चेंज अभी देखते हैं, हमारा जो न्यू पॉइंट है वो है केमिकल चेंज। ओके लेट्स सी स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मे बी एकॉम्पेनियड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, अभी केमिकल चेंज में क्या क्या चेंजेज होते हैं तो इसमें चेंज होता है हीट लाइट्स, यस हीट लाइट्स एंड एनी अदर जो रेडिएशन होता है मे बी गिवन ऑफ अ एब्सॉर्बेड, साउंड में भी प्रोड्यूस और क्या हो सकता है साउंड प्रोड्यूस हो सकता है और चेंज इज स्मेल में टेक प्लेस, इस तरह से जो ये चेंजेज होता है वो टेक प्लेस ले सकता है। और कलर चेंज में टेक प्लेस कलर चेंज हो सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट्स जो ग्रास है मे बी फॉर्म्ड वो फॉर्म हो सकते हैं, तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं। फर्दर ऑलमोस्ट ऑल द जो रिएक्शंस होते हैं इन विच कंबशन्स आर बर्निंग टेक प्लेस रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, इस तरह से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो जो भी हमने आगे अभी पढ़ा था तो ऑल द रिएक्शन ये सारे रिएक्शन जो वो बताते हैं कि बीच जो कंबशन्स होता है जो मतलब सब्सटेंस पदार्थ होते हैं ठीक है जो हीट के टाइम में काम आते हैं बर्निंग जब जलाते हैं टेक प्लेस रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज, तो क्या करते हैं केमिकल चेंज जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स सम टिपिकल केमिकल चेंज, कुछ टिपिकल चेंजेज हैं केमिकल चेंज के वो क्या है। ओके ये सम टिपिकल जो चेंज होगा स्टूडेंट्स वो होगा नहीं तो कोई मुझे नहीं आता ये सम टिपिकल केमिकल चेंज होता है सम कॉमन जो है केमिकल चेंज विद देयर एक्सप्लेनेशन
यस स्टूडेंट्स, सम जो कॉमन केमिकल चेंज होते हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। वो नीचे जो है डिस्क्राइब किया गया है। व्हाई इज रस्टिंग ऑफ आयरन कंसीडर्ड एज द केमिकल चेंज। मीन्स जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसके जो मतलब जो क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग मीन्स होता है जब उसमें जंग लग जाते हैं, तो हम उसको क्यों बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ है। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू एयर, जब हम उसको खुले हवा में, पानी में, ऐसे ही मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, ह्यूमिड एयर में, तो इट गेट्स कन्वर्ट विद रस्ट। तो ये धूल में जो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लोग जो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे वैसे तो कैसे। यस स्टूडेंट्स, देखेंगे हियर द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द आयरन। मीन्स यहाँ पे जो क्या है, जो आयरन्स होते हैं उसमें जो रस्ट हो जाते हैं, जो जंक हो जाते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयरन। उन आयरन से क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल आयरन से। अगर देखें तो रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक, ये जो होता है वापस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बैक टू द आयरन में, एंड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेटर, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द केमिकल चेंज। इस तरह से हम कहते हैं कि जो क्या होता है, आयरन जो है रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंजेज है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आयरन रस्ट। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, आयरन है जब ये रस्ट हो जाता है, जब इसको हम कैसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खुले में ऐसे ही हवा में, जो ह्यूमिड में छोड़ देते हैं, तो वो उस पर जो है क्या होता है, स्टील ग्रे हो जाता है। स्टील ग्रे रहता है, हार्ड अनमेलेबल मैग्नेटिक मेटल्स होता है, और उसके बाद से ये जो है रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन रस्ट होने के बाद, एंड सॉफ्ट एंड ब्राइटर नॉन मैग्नेटिक जो है मेटल ऑक्साइड, उसमें मतलब मैग्नेट का भी कुछ काम नहीं चलता। उसके बाद से देखेंगे स्टूडेंट्स, वाई आर द बर्निंग ऑफ कैंडल कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। कि जो मतलब कैंडल जो है जल रहा है, तो उसको हम जो है केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। ओके, तो कैंडल आर मेड फ्रॉम वैक्स एंड द कॉटन थ्रेड्स। जो कैंडल्स होता है वो बना होता है किसे, वैक्स एंड द कॉटन मेथड से, कॉटन जो है थ्रेड से, कॉल्ड विक ऑफ द कैंडल, जिसे हम विक ऑफ कैंडल कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब ये जो है मतलब जलता है कैंडल, द मोल्टेन जो वैक्स होते हैं, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो ये जो होता है फिजिकल प्रोसेस होता है, एंड राइज थ्रू द कॉटन थ्रेड, और ये फिर थ्रेड की सहायता से फिर राइज ऊपर उठता है, एंड अंडर गोज, फिर वो अंडर मतलब जाता है अंदर कम्बशन टू प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, एंड वाटर वेपर, द कॉटन थ्रेड गेट्स चेयर्ड टू द ब्लैक मास, और इस तरह से ये होता है, फिर ब्लैक मास आता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, हीट एंड लाइट्स आर गिवेन आउट इन दिस प्रोसेस, इट इज़ द इम्पॉसिबल। हीट और लाइट जो होता है आर गिवेन आउट दिस प्रोसेस, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू रिकवर द बर्न्ट वैक्स, कि हम क्या करें, रिकवर कर पाए जो भी बर्न्ट जो वैक्स है, टू रिकवर द थ्रेड इन द ऑर्गेनाइज फ्रॉम कैरेक्टराइज्ड। इस तरह से जो होता है, रिकवर होते हैं थ्रेड्स इन द ओरिजिनल फॉर्म में, एंड आयरन एंड द जो है चेयर जो है थ्रेड्स। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट वी सब सी इन द नेक्स्ट। यस,